सो जो अभी फिलहाल है इसकी यू नो अब साहब चेक कर रहे हैं। दोनों का काम क्या है कि जितने भी इसकी फंगस जितनी भी इसमें स्मेल आती है ना, जैसा हेयर स्टाइल बनवा दिया जाए तो कोई जेजी बी का फैन है तो प्लीज हेट कमेंट मत करना भाई। ये इतने सारे जो बाल हैं ये शिनचैन के शरीर से उतरे हैं, तो ये सारे बाल ही बाल है बड़े। और सो अब इसको पलट रहे हैं, तो ये शैतान है तो इसको पकड़ना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप, ये इसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है। देख तेरी दुनिया की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सो इस बात से मैं आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कल एक न्यूज़ सुनी यू नो बहुत जगह आ रही थी कि जो हाथी यू नो फीमेल हथनी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, उसका और उसके बच्चे की यू नो जो मतलब प्रेग्नेंट थी वो, उसकी डेथ हो गई। किस वजह से हुई वो पूरी स्टोरी आप यू नो किसी भी न्यूज़ चैनल आर्टिकल पे पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही हॉरेबल है और बहुत ही सोचकर इतना बुरा लगता है ना कि मतलब हम यू नो एनिमल्स लवर हैं, वो डॉग्स को यू नो पैट्स को कैट्स को या स्ट्रीट डॉग्स को इतना केयर कर रहे हैं, इतनी हम इंसान उनको मतलब इतना प्यार करते हैं यू नो जानवरों को हम डॉक्टर पे, मैं मतलब लास्ट टाइम ने ब्लॉग देखा होगा उतना प्यार। तो उस फीमेल को यू नो प्रेग्नेंट थी उसको प्रॉब्लम थी, तो हम उसके डॉक्टर पे हॉस्पिटल में लेकर गए, और जो इतना प्राइड एक एनिमल है एलिफेंट यू नो मतलब उनकी गिनती होती है, तो उनके साथ उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, तो यार इंसानियत कहाँ जा रही है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूँ। तो आज का व्लॉग बेसिकली क्या होने वाला है, आज के व्लॉग में शिनचैन को यार बहुत टाइम से बहुत खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज मैं डॉक्टर के पास उसको लेकर चला हूँ। तो सोच रहा हूँ उसके बाल भी कटवा दिए जाएँ, बहुत गर्मी है, और देखते हैं क्या डॉक्टर साहब क्या ट्रीटमेंट बताते हैं। तो पूरा व्लॉग देखिएगा लास्ट तक, आपको सारा पता लग जाएगा आज शिनचैन के साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later. आज शिनचैन की जो है एक थोड़ी सी चेकअप जो करना है डॉक्टर साहब करेंगे, उसके बाद उसको बिल्कुल अच्छे से ग्रूम करवा देंगे आज। और आज आप सभी के जो प्यारे शिनचैन, जितनों को भी शिनचैन के लिए नाराज़गी रहते हैं कि भाई आप शिनचैन को ज़्यादातर व्लॉग में नहीं लाते, और कईयों के तो ये भी कमेंट है कि यार शिनचैन पे ये एक व्लॉग बना दो पूरा, तो ये उन सभी के लिए है। तो अगर अब उन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो यार फिर मैं आगे से तुम्हारी डिमांड पर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, ये याद रखना ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, सारे ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपके पास कोई पग है और उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप आज वीडियो में देख ही लेंगे। तो डॉक्टर साहब ये फिलहाल हम क्या करने वाले हैं इसको, कुछ आप कुछ शिनचैन के ना थोड़ा सा हमारे को डायग्नोस करना पड़ेगा, इसको स्किन की प्रॉब्लम है किस टाइप की। ओके तो इसके लिए हम एक ना माइल्ड सा टेस्ट करते होते हैं, स्किन स्क्रैपिंग करते होते हैं, उससे हमारे को एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता लग जाएगी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके अंदर के। इन्फेक्शन होता है कई बार माइट्स का इन्फेक्शन होता है। ओके उसको चेक करने के लिए एक स्लाइड बनती है, स्किन स्क्रैपिंग बोलते हैं उसको। ओके इसमें एक पार्ट लेंगे हम स्किन का, उसमें हमारे को माइट्स दिखाई देंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, और अगर बैक्टीरिया दिखाई देगा तो उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चलेगा। ओके और मैं इसकी स्किन स्क्रैपिंग बना रहा हूँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ठीक है। तो आज साथ में यश बाबू आया, लास्ट व्लॉग में आपने इनको देख लिया था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था इनके लिए, तो इस बार इनके लिए फिर से कमेंट करना। और ये भी साथ में आई है, इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट था ये, जिस ये वही फीमेल है मतलब वही जो मतलब बिच है, इसके लास्ट टाइम ब्लॉग में पपीज हुए थे, तो इसके लिए भी यू नो जल्दी से कमेंट कीजिए कि बहुत जल्दी से ठीक हो जाए ठीक है, और सब कुछ हेल्दी रहे। इसको माइक्रोस्कोपिकली हम एग्जामिन करेंगे। हमने पार्ट स्किन का पार्ट ले लिया है, अब इसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टेन करके, उससे हमारे को एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि हमारे शिनचैन को क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना है उसके लिए। हो जाएगा भाई तू ठीक, टेंशन नहीं लेने का, ये बड़ा मस्त बंदा है यार, बहुत मस्त बंदा है। सो राइट नाउ मेरे साथ हैं अर्श, जो कि एक यूट्यूबर भी और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। सो मुझे यहाँ पर मिला तो उन्होंने भी मेरे साथ एक यू नो वीडियो शूट किया है मेरे और शिनचैन के साथ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये भी बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। सो जो अभी फ़िलहाल है इसकी यू नो अब साहब चेक कर रहे हैं कि क्या इसका प्रॉब्लम है, बेसिकली स्किन प्रॉब्लम क्या है, तो वो जितनी जल्दी हमें पता लगेंगे उतनी जल्दी ट्रीटमेंट में यू नो ईजी रहेगा, हेल्प रहेगा। इस शिनचैन की स्किन स्क्रैपिंग में इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन भी आया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आया है। okay. और माइट इन्फेस्टेशन भी है इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक तो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल वॉश कर देते हैं। ओके एक बेटर रहेगा कि अगर इसके बाल कटवा लो तो,
उससे फंगस जब एक्सपोज होएगी स्किन तो फंगस अपने आप दूर जाने लग जाएगी इसकी। ओके और एक माइट्स के लिए मैं एक माइल्ड सा इंजेक्शन दूंगा, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको अभी वॉशिंग करते हैं। ठीक है, इसको पहले आप उससे साइपरमेथ्रिन से वॉश करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अभी शिनचैन को आज मतलब फिलहाल बिठा दिया गया है, यू नो आज तो पूरे मजे ले रहा है शिनचैन है। वैसे शिनचैन को मैं घर पे जब भी नहलाता हूँ ये भागता है नहाने से, तो आज तो ये चारों तरफ से यू नो घिरा हुआ है, तो मुझे नहीं कोई चांस दिखता है, भाग जाएगा यहाँ से। तो ये कुछ है अब, ये फिलहाल जो यू नो तो फिलहाल जो है इसके कान में ये रुई डाल रहे हैं ताकि कान में पानी ना जाए, जो कि ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी, मतलब ज़रूरी है। तो आप भी वैसे घर पे अगर चाहें तो अपने डॉग की कान में थोड़ी सी देख के रुई डालना, कभी आप अंदर ही घुस दो और फिर वो निकल ना पाए तो वो भी थोड़ी तकलीफ दे सकती है। तो शिनचैन भाई को भी फिलहाल नहलाते हैं, बैक्टीरिया सारे खत्म हो गए हैं। तो ये बेसिकली केमिकल कह सकते हैं, ये जो सामने पहले लगाया था ना वो बेसिकली माइट्स के लिए था। ओके जितने भी इसके टिक्स वगैरह हैं, फ्लीज हैं, वो सारे उससे सेट हो जाएंगे। ओके आप इसको एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल कर रहे हैं, क्लोरोक्सीन से इसको वॉश कर रहे हैं। ओके क्लोरोक्सीन का काम क्या है कि जितने भी इसकी फंगस जितनी भी इसमें स्मेल आती है ना, चिकनाहट होती है डॉग की, वो सारी ठीक हो जाएगी। इसको लगाने के बाद 5 मिनट छोड़ेंगे भी सही इसके ऊपर हम। ओके ओके ठीक है ना, ताकि वो इसका काम करे, फिर उसके बाद इसकी वॉशिंग करें। वॉश करने के बाद नाट खत्म हो जाएगी और जो कटिंग है वो बड़ी स्मूथ होगी। ओके ओके अगर बिना उसके करते तो वो अटकते अटकते रहते। ओ शिनचैन क्या हो रहा है, और करेगा शरारते आज के बाद, कभी करेगा शरारते घर पे? लग गया पता तुझे, लग गया पता। चलो भाई अब शिनचैन भाई साहब को एक बार नहला दिया गया और शिनचैन भाई को सुखाया जाएगा। पहली बार मतलब उसको मैं कुछ ऐसा ट्रीटमेंट उसको करवा रहा हूँ, क्योंकि पहले कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी, बट इस बार मुझे बहुत प्रॉब्लम दिखी। और मुझे डर भी ये था कि साथ के साथ, क्योंकि ओरियो घर पर है और मैं नहीं चाहता कि ओरियो को भी कोई इन्फेक्शन हो जाए इसकी वजह से। शिनचैन ये देखो यार, ये देख सकते हो तुम सब, ये इसको इन्फेक्शन हुई पड़ी थी ये सारी। तो अभी इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज करवा रहा हूँ मैं इस इन्फेक्शन का। सो फिलहाल शिनचैन को जो है हम नहला के, जो एक बार उसको नहला दिया गया और अभी इसको थोड़ा सा सुखाएंगे, फिर 2-3 बार मतलब बेसिकली जो पूरा ट्रीटमेंट आज होगा। और होप सो जल्दी से शिनचैन भी रिकवर कर जाए, क्योंकि इसको थोड़ी सी मतलब इन्फेक्शन है और वो बढ़ भी सकती है, साथ ही साथ ओरियो घर पर है तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। तो फिलहाल इसको सारा ट्रीटमेंट कराते हैं। शिनचैन को जो है हम करने लगे हैं गंजा। तो आज पहली बार शिनचैन के लाइफ में ऑलमोस्ट पाँच साल का हो गया ये, उसकी कभी मैंने बाल कटिंग नहीं करवाई, तो ये भी मेरे घर वालों का रिएक्शन तो देखने लायक होगा इस पर कि ये कैसा लगेगा। तो वो चीज़ भी मैं लास्ट में रिकॉर्ड करूँगा कि वो कैसा दिख रहा है। तो अब इसको उसके बाल कटवा डालते हैं और ख़तरनाक लगने वाला है यार शिनचैन। सो ये शुरू कर दिया गया है शिनचैन को यू नो बिल्कुल सफाई करना। तो मैं साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता रहता हूँ, अगर मुझे अब तक तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, शिनचैन और ओरियो की सारी अपडेट वहाँ पर आती रहती है। तो भाई शिनचैन अभी फिलहाल ऑलमोस्ट आधा गंजा हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही इसका हेयर स्टाइल बनवा दिया जाए, यू नो जैजी बी जैसा हेयर स्टाइल बनवा दिया जाए। तो कोई जैजी बी का फ़ैन है तो प्लीज़ हेट कमेंट मत करना, मैं भी उनका फ़ैन हूँ ठीक है, बट ये फंकी जो हेयर स्टाइल है ना, मैं सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही रखवा दिया जाए। मैं तो बल्कि सोच रहा था, वो आते हैं ना जो कई जगह जगह बाल रह जाते हैं, तो वो हेयर स्टाइल इसका कभी कभी ट्राई करवाएंगे ज़रूर, बट फिलहाल तो इसको इन्फेक्शन है तो इस करके इसको सारा गंजा करवा देते हैं। तो शिनचैन बेटा तेरी बस तेरी मौज है, हमने पूरे जितने दिन लॉकडाउन चला ना मैंने बाल नहीं कटवाए, ऑलमोस्ट 2 मंथ मैंने बहुत बड़े बाल रख लिए थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी रख ली थी, बट ये भाई साहब देख लो लॉकडाउन खुलते ही इनकी मरम्मत ज़रूर हो रही है। कि इसकी जो थोड़ी बहुत ही फोटोज़ है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ, यू नो स्टोरी में डालने वाला हूँ। सो मेक श्योर यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है उसको सब फॉलो करना, आपकी जिम्मेवारी है। यूट्यूब पे इतना प्यार दे रहे हो तो इंस्टाग्राम पे भी प्यार दिखा दो ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको सारा गंजा करवा देते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये इसको इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका बेसिकली जो ट्रीटमेंट जो मुझे लगा कि करवाना चाहिए तो वो ये चीज़ थी, तो पता लगा तो इसको दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा है। सो अभी इसको पलट रहे हैं, तो ये शैतान है तो इसको पकड़ना पड़ेगा।
सारा इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ना पड़ता है यार। सो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि डॉग को जैसे आप देख सकते हो कितने बाल है और मेरे हाथ पैर सारे बाल से भर चुके हैं। तो डॉग पालना, यू नो, अगर आप डॉग रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्रीट देम एज अ योर फैमिली मेम्बर। उनको पेट ठीक है बट वो मोर ओवर एक इंसान जितनी, यू नो, उनको टाइम चाहिए, उनको सारा कुछ केयर चाहिए। तो आप तभी डॉग लें, शौक बड़ी चीज़ है बट डॉग तभी लें जब आप उसको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट कर सकें। और प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, आप प्यार करेंगे डॉग से तो ही आप मतलब डॉग लें। बहुत लोग कहते हैं कि है ना हमारी क्वालिटी ये वो, डॉग डॉग होता है, चाहे आप स्ट्रीट डॉग रखिए घर पर, चाहे आप किसी ब्रीड का डॉग रखिए, बट प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए हैं, शिनचैन को तो बाद में लहा रहा, मेरे हाथ सारे बाल बाल हो गए थे। तो अब ये गंजा शिनचैन नहा रहा है, इससे पहले बाल वाला शिनचैन नहा रहा था, अब ये गंजा शिनचैन नहा रहा है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा तो फ़र्क है भाई। ये इतने सारे जो बाल हैं ये शिनचैन के शरीर से उतरे हैं, तो ये सारे बाल ही बाल हो पड़े हैं। और A few inches later. शिनचैन भाई अब नहा चुके हैं, तो अब शिनचैन भाई को कुछ इंजेक्शंस लगेंगे। तो बहुत टाइम बाद शिनचैन भाई को वैक्सीन के बाद इंजेक्शन लगेंगे, तो वो सोचेगा कि मेरे को क्या हो गया, मेरी क्यों इतनी तबीयत ख़राब है। तो फिलहाल इसको डॉक्टर साहब किस चीज़ के इंजेक्शन वैसे हम लगा रहे हैं? एक एंटीबायोटिक दे रहे हैं इसको, ओके, थोड़ा सा रेडनेस खत्म हो जाएगी। एक एंटी इंफ्लेमेटरी दे रहे हैं, जो ये खारिशी कर रहा है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन से वो ठीक हो जाएगा। ओके, एक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है माइट्स के लिए, ओके, तो उससे इसके माइट सारे किल हो जाएंगे। ये देखो जो ये कर रहा है ना, ये कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो फिलहाल अभी जो है ऑलमोस्ट शिनचैन का ट्रीटमेंट हो गया, तो उसको भी मैं घर लेकर जाता हूँ, घर वालों का रिएक्शन देखते हैं। तो अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अर्श भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और डॉक्टर सदाना का चैनल यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा, वो भी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ घर पर ट्रीटमेंट करना है तो उसकी सारी, यू नो, वीडियो डॉक्टर साहब ने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो वो देख कर आप घर पर भी इस चीज़ को पूरा, यू नो, ट्रीट कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी फिलहाल मम्मी कैसा लग रहा है? वाह, गंजा गंजा शिनचैन घर में आ गया है। क्या हुआ? इसके सारे स्किन में, इसको आगे लाओ, देखो इसकी सारी स्किन रेड, इसको इतनी एलर्जी हुई पड़ी है, देखो। तो फिलहाल ओरियो से बहुत लोग पूछ रहे थे ओरियो ठीक है कि नहीं, तो ओरियो आप देख सकते हो। ओरियो आओ, क्या लगा रखा है भाई, ये क्या लगा रखा है बच्चे, आ जाओ लो ओरियो, इधर आओ। ये देखो ओरियो अभी ठीक हो चुका है ऑलमोस्ट इसका पैर, बट ये अभी भी लंगड़ा कर जो है चल रहा है, ये देख सकते हो। तो ओरियो बच्चे, अपने सभी फैंस को, अपने सभी फॉलोवर जो तुझे प्यार करते हैं, से थैंक यू टू देम, थैंक यू फॉर सो मच लव, थैंक यू फॉर दीज सब्सक्राइबर्स, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लव यू। सो अभी ना शिनचैन के बारे में मैं दादी से पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है शिनचैन। तो ये मेरे दादी जी हैं, दादी कैसे हो आप? ठीक हो दादी? तो दादी मैंने इसको गंजा करवा दिया है, तो अब आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है शिनचैन, है कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आप बताओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, गंजा गंजा सा लग रहा है ना, अलग लग रहा है ना, अजीब लग रहा है ना, बाल नहीं झड़ेंगे, तो बाल नहीं झड़ेंगे इसके। तो अब मैंने इसको करवा दिया गंजा, तो थैंक यू दादी, दादी बाय कर दो सबको। सो विद दैट मैं और ओरियो करते हैं आज के व्लॉग का एंड। सो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब बटन दबा दें, लाइक बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दें ओरियो के लिए, शिनचैन के लिए और मेरे लिए स्पेशली। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।